अगर आप भी कानपुर के शुक्लागंज पुल से होते हुए कहीं यात्रा करने जा रहे हैं या आपने किसी निजी कारण से शुक्लागंज पुल से होते जा रहे हैं तो ये खबर बेहद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कानपुर में 146 साल पुराने डबल स्टोरी गंगा पुल की चार कोठियों में गहरी दरारें आ गई हैं। आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कानपुर के शुक्लागंज में अंग्रेजों के जमाने बने पुराने गंगा पुल को सोमवार रात से बंद कर दिया गया। कानपुर और नाव प्रशासन की संयुक्त टीम के निरीक्षण में पुल की दो और कोठियों में दरार आने के बाद कानपुर डीएम आलोक तिवारी ने देर रात तक आदेश जारी कर दिया है। दिन में निरीक्षण करने वाली जांच टीमों ने माना कि यह पुल यातायात योग्य नहीं है। जिलाधिकारी कानपुर और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को कानपुर पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने रिपोर्ट सौंपते हुए जल्द निर्णय लेने की बात कही है। आपको बता दें कि इस वाहन से रोजाना करीब 1 लाख छोटे वाहनों का आवागमन होता है। एसडीएम सदर उन्नाव ने बताया कि सभी कोठियों की मियाद भी खत्म हो चुकी है, ऐसे में पुल यातायात लायक नहीं है। इसकी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी आलोक तिवारी को भेज दी गई है। उन्होंने रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए यातायात बंद कराने का आदेश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि आगे सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी के अफसर निर्णय लेंगे कि इसकी मरम्मत करनी है या कोई और विकल्प तलाशना है। जिलाधिकारी महोदय, कानपुर की कार्यालय आदेश के आधार पर पुराना गंगा पुल जो शुक्लागंज से कानपुर नगर को जोड़ता है वो 5 और 6 तारीख की मध्य रात्रि से आमजन के लिए आवागमन के लिए बंद किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नया गंगा पुल, जाजमऊ का पुल और गंगा बैराज के रास्तों का प्रयोग समस्त नागरिक कर सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।